स्टार्ट की करके खत्म भी कर दिए। अच्छा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में कुछ खास नहीं है, तो क्वाड्रेटिक हम लोग जैसा कि खत्म भी कर लिए थे, तो क्या इसके क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना ये पॉलीनोमियल्स पे। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का कौन सा है? सर लाइन एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। हाँ सर, लाइंस एंड एंगल्स। कौन सा दिए थे क्लास उसके पहले? अब है सर। पॉलीनोमियल्स का घर पे जाके सारे बच्चे किए हो ना? यस सर। यस सर। कोई बच्चा पूछा था कि सर क्यूबिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो क्या बताया था ना सर्टिफाई? यस सर, वो आप बता दिए थे। हाँ वो मैं बता दिया था। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे लाइंस एंड एंगल्स? बच्चा लाइंस एंड एंगल्स के बाद देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये पहले इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली लाइंस एंड एंगल्स हमने भी स्कूल में सिलेबस में है इसलिए। हां सर। लाइंस एंड एंगल सर सिलेबस में वही है। यस सर। सर लाइंस एंड एंगल हाफ ईयरली में। हाँ सर हाफ ईयरली में। अब एग्जाम कर लोगा? लेकिन सर हाफ ईयरली का सिलेबस अभी करवा रहे हैं सर। हाँ सर। अच्छा हाफ ईयरली का आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है ये बताओ तो। सर डीएवी का मतलब मई में ही ये सब एग्जाम जो होगा उसमें अलाइंस एंड एंगल्स आ रहा है। अच्छा अच्छा लाइंस एंड एंगल उसमें आ रहा है यही ना। चलो बच्चा तो लाइंस एंड एंगल ही पढ़ोगे बोलो। हाँ सर। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल दो हेडिंग को लाइंस एंड एंगल। चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो तो हुआ नहीं है ना बच्चा बोलो। नहीं सर। नहीं सर। चलो एक बार चलो लाइंस एंड एंगल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा लोग। चलो ओ स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को? जस्ट वेट। अरे की आवाज नहीं आ रहा। क्या आवाज नहीं आ रही है? आप बताइए। देखो बच्चा लाइंस एंड एंगल ठीक है। लाइंस एंड एंगल में हमें क्या देखना है? देखो इसमें कुछ बोलो
लाइंस किसको बोलेंगे बताओ, लाइंस किसको बोलेंगे, किसको बोलते हैं लाइन? हम बात करेंगे लाइंस, लाइन लाइन किसको बोलते हैं बोलो। देखो सर जो पॉइंट्स को जोड़ता हो। नहीं ये देखो ये तुम्हारा क्या है लाइंस, ठीक है, ये क्या है लाइंस है, लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट फिक्स रहे और एक एरो रहे तो उसको क्या बोलते हैं? रे, 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 रे। ये होता है रे बटन, ठीक है, ये होता है लाइन, ठीक है। अब एक देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिसका दोनों इंड फिक्स हो, उसको लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ये तुम्हारा हो गया लाइन सेगमेंट। देखना इसमें ए एंड बी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसका एक ओ फिक्स रहेगा और मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, जैसे कि रे मतलब सूर्य से जो रोशनी मिल रही है हमें, प्रकाश मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो देखो सूर्य का फिक्स पॉइंट होगा वो, मतलब क्या मतलब सन मुझे क्या दे रहा है, रेज दे रहा है। लेकिन आप देखो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, तो ये देखो ये एरो इसका फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। और लाइंस में बोलो, लाइंस में देखना बच्चा लोग कि लाइंस में दोनों देखो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जा सकता है, समझा कि नहीं? एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। हाँ बोथ दी डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, ओके। एंड एंगल्स क्या है बच्चा लोग, एंगल्स, एंगल्स क्या है बताओ, बोलो एंगल्स क्या है, व्हाट इज एंगल्स सर? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्मड। व्हेन टू रेज हैव सेम वर्टेक्स, टू रेज फॉर्म, बोलो बोलो सर, व्हेन टू रेज हैव सेम वर्टेक्स सर, स्पेस बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स दैट मीट, क्या क्या बोलो 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 क्या, द स्पेस बिटवीन टू रे व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम सेम पॉइंट। अब बोल बोल क्या सर, स्पेस बिटवीन टू रे व्हिच आर जॉइंड टुगेदर। अच्छा अब बोलो, मैं बोल सकता हूं ना इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, मतलब व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेगा ईच अदर, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, एंगल फॉर्म करेगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस। तो देखो बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनली देखो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करेंगे बच्चा लोग एंगल्स के बारे में। देखो एंगल समझो, एंगल, ठीक है, तो ये देखो इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए। देखो अगर मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या है, वो पॉइंट है और ये ए है, ठीक है। देखो बच्चा अब एंगल्स का बात करेंगे, तो ये देखो ओ ए और ये बी हो गया, ठीक है, तो ये देखो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसी को तो एंगल थीटा बोलते हैं, बोलो बोलो। यस सर, यस सर, इसको बोलते हैं इनिशियल, इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं बच्चा टर्मिनल साइड, क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड लिखो, ठीक है। तो एंगल इज द, लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ रोटेशंस, rotations from initial side to terminal side, okay बच्चा लोग देखो मतलब this is angle theta, okay। ये क्या है, हम लोग angle को क्या always represent किया जाता है, क्या theta से, समझा कि नहीं, theta, समझा? Yes, sir. Theta. Yes, sir. तो ना कि कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है।
कोई बोलता है सर नहीं 30-45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो देखो इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, मतलब जितना ज्यादा रोटेशन होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। मतलब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का रोटेशन जितना ही ज्यादा होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा। देखो अगर ये 180 हो गया तो ये क्या होगा, देखो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, क्या होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर। IS से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं और TS से टर्मिनल साइड, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, आया ना? यस सर। आप 180 डिग्री कब बनाता है बच्चा लोग, ये बोलो 180 डिग्री, दो लाइन आपस में देखो जब वो लाइन होगा ये तुम्हारा ओरिजिन है, मतलब वो है, और ये देखो ये दोनों लाइन क्या हो एक दूसरे का क्या हो जाए, बोलो हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर हो जाए ना, कोलिनियर समझते हो क्या होता है ये, yes, ये बी है। तो ये बताओ अगर ये दोनों रेज क्या बोले हम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में, क्या हम बोलेंगे फिर ये एंगल कितना आया 180 डिग्री, समझा कि नहीं, बोलो आप बोलो बच्चा। अगर ये मुझे कितना, ये देखो ये तुम्हारा ओ है और ये ए है, ठीक है, वो ये रेज है, आप देखो आप जो टर्मिनल साइड है ये इतना आ गया, ठीक है, तो आप कितना डिग्री बनाएगा बच्चा लोग, बोलो तो 90 डिग्री। देखो इन क्लॉक आप याद रखना क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, देखो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, समझा ना? यस सर। हाँ सर। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज, समझा ना? ये देखो बच्चा बोल रहा था कि 90 डिग्री, तो उसको कंफ्यूज हो रहा था कि क्लॉक, हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव थीटा के लिए तुम लोग क्या चलोगे, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, समझा कि नहीं, मतलब पॉजिटिव डिग्री तुमको जैसे कि 45 डिग्री पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, इनिशियल से टर्मिनल के तरफ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होना चाहिए, समझा, एंटी क्लॉक वाइज, लिख लो एंटी क्लॉक ठीक है बच्चा। देखो आप देखो अब ये देखो अब हम एंटी क्लॉक वाइज नहीं ना चले, एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे ना, तो ये बताओ ये कितना डिग्री बना रहा है, बोलो सर 270 डिग्री श्योर ना एवरीवन, बोलो आया ना? हाँ सर 270। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बच्चा अगर ये यहाँ आ जाता तो 180 बनता, और यहाँ से देखो ये यहाँ चला गया, तो मतलब ये 180 डिग्री प्लस 90 ठीक है, मतलब जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना ही थीटा का वैल्यू होगा। देखो याद रखना कि पॉजिटिव थीटा कब मिलेगा बच्चा, जब हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड कब जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, तो मुझे पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चा निगेटिव एंगल कब मिलता है, देखो तो फाइनली ये तुम्हारा क्या है, चलो ये तुम्हारा ये ओरिजिन है ओ, ठीक है, अब ये क्या है ओ ए और दिस इज योर ओ बी, ठीक है। आप देखो ये थीटा को हम बोलेंगे क्या, आप देखो अगर हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड आ रहा है, ठीक है, तो ये माइनस थीटा, क्या बोलो किस डायरेक्शन जा रहा है, जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, समझा बच्चा लो, आया ना? यस सर। क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाओगे बच्चा तो तुमको क्या मिलेगा एंगल, अब देखो ये है तुम्हारा ये इनिशियल साइड,
है ना, और ये तुम्हारा है टर्मिनल, टर्मिनल साइड, समझा बच्चा लोग? हाँ या ना, बोल हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। मतलब अभी सर प्रिंस सब पढ़ाते हैं क्या आप लोग को? प्रिंस सर के क्लास होता है क्या आप लोगों का? नहीं मालूम सर, जो सर लेते हैं उनका नाम अभय, अभय सर पढ़ाते हैं। मेरा नाम क्या है? चंदन सर। चलो, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ठीक है बच्चा लोग? तो आप लोग का फिर क्लास कब होता है? मेरे अलावा कौन सा डेट में क्लास होता है? एक तो संडे, संडे को, संडे तो यही कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो सोच के चलता हूँ कि ये टॉपिक के बाद ये स्टार्ट करूंगा, फाइनली आप लोग का डिमांड अलग हो जाता है। मुझे लग रहा था कि कोऑर्डिनेट खत्म नहीं हुआ है और तब मुझे आप कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सर से कि वो कैसे चलेंगे और मुझे कौन सा टॉपिक को कवर अप करना, समझे बच्चा लोग? सर बोले थे कि वो अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप अलग चैप्टर, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ सर, एक ही मतलब दोनों सर अगर एक ही चैप्टर करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन तो हो ही रहा है क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि पॉलीनोमियल आप लोगों को मैं करवा दिया था कि नहीं, बोलो पॉलीनोमियल। यस सर। आप लोगों का टॉपिक्स है मतलब ये क्या है, पॉलीनोमियल्स के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत ही इजी चैप्टर है, नहीं है? यस सर। बहुत ही इजी है। पॉइंट को लोकेट करना है, वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये तो बहुत मतलब समझ जा। यस सर। देखो पॉलीनोमियल बेस्ड टॉपिक था, ठीक है? तो उससे आप लोग क्या करना, फाइनली आपका एग्जाम में भी आएगा तो पॉलीनोमियल्स को बहुत टॉर्चरिंग है, मतलब पॉलीनोमियल्स आपका हो गया है ना अच्छा से, तो फाइनली सारे चैप्टर आपके आसान हो जाएंगे, तो आप लोग भी खुद रियलाइज करोगे, ठीक है? तो फाइनली जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका रिमाइंडर थ्योरम सारा कुछ ये हो कवर अप कर देना, ठीक है? मेरे तरफ से तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों के तरफ से भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, समझा? तो बोलो बच्चा लोग, तो ये देखो, अब देखो अगर मैं एंटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूँ, ठीक है? ये मान लो ये तुम्हारा इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये टर्मिनल साइड है बोलो, और इस डायरेक्शन में अगर मैं एंगल देखता हूँ तो ये क्या लेंगे, -30 degree, मान ले कोई भी एंगल है तो -30 degree, -45 degree, समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. आप लोगों को पॉलीनोमियल्स में कहीं पे भी दिक्कत नहीं है ना, जितना मैं पढ़वाया हूँ उसमें कहीं पे दिक्कत है किसी को? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक है? No, sir. मैं समझ रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको तो डाउट होगा नहीं, आप नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको कहाँ पे कवर है, ठीक है? ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, आपका डाउट रखा कर अच्छा रह जाएगा, ठीक है? तो लेकिन मेहनत कर, ठीक है? फाइनली मैं भी आप लोगों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है? ऐसा मतलब टेस्ट भी ले सकता हूँ मैं कभी कभी, उसमें चलो बच्चा लोग, तो यहाँ तक अब हम मुझे समझ में आया ना कि निगेटिव एंगल्स, लाइंस और एंगल के बारे में मालूम आया, डिफरेंस मालूम आया? यस सर। यस सर। एंगल मेरा कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब लिखो व्हेन टू लाइट इंटरसेक्ट ईच अदर देन, देखो ये पॉइंट लिखो, व्हेन टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस देखो, अब यहाँ पे यही थ्योरम सबका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चा लोग, टू लाइंस देखो इंटरसेक्ट करना है ईच अदर किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि O कट किया, देखो टू लाइंस है ना, दिस इज योर L1, ये क्या लेता हूं, L1 ले लेता हूं और एक ले लेता हूं बच्चा लोग L2, समझा कि नहीं? ओके, आप देख बच्चा दो लाइंस है, ठीक है, जो क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है? ओके, तो देखो फाइनली हम बोलेंगे
कि ये मान लो कि मैं यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ओ ए बी और ये है तुम्हारा सी डी, ठीक है सी डी। अब देखो बच्चा यहाँ पे देखो टू लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो एक बात याद रखना कि ये एंगल्स के बराबर होगा ऑलवेज, समझा कि नहीं समझा? वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा कि आप लोग भी पढ़े हो, ठीक है। फाइनली आप देखो ये एंगल सी एंगल्स के बराबर होगा और ये एंगल्स किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, समझे ना? यस सर। हाँ बोल बोल बोल, किसको डाउट है? सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं, इसका प्रूफ समझा दीजिए। प्रूफ समझ। अच्छा इसका देखो फाइनली हम ये बात करते हैं, प्रूफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा कि देखो यहाँ पे बच्चा हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, बोलो। यस सर 180 डिग्री। हाँ तो देखो कॉन्फ़िगरेशन से ऐसे तो हम देख रहे हैं कि प्रूफ बोलने का मतलब, अगर मान लो क्या कि ये अगर थीटा लेते हो ठीक है और ये अगर अल्फा मानते हो ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि वहाँ एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। देखो ये तुम्हारा ये एक लाइन है, बोलो ये एक लाइन है ठीक है, तो इसमें थीटा प्लस अल्फा, ठीक है थीटा प्लस अल्फा। अब देखो बच्चा यहाँ पे फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि सेम ये भी तो लाइन क्या है, 180 डिग्री है ना? यस सर। ये और ये देखो ये और ये क्या है, 180 डिग्री है ना, बोलो। यस सर दोनों ही। हाँ तो फाइनली देखो बच्चा लोग आप लोगों को प्रूफ चाहिए यही ना, तो फाइनली लोग मैं प्रूफ आप लोगों को अलग से बता दूंगा वो टाइम निकाल के, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रुप में चले जाएंगे तो पता चले तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये याद रखोगे आप कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल्स होता है, ठीक है बच्चा लोग। क्या ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा और ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, समझा कि नहीं, बोलो। यस सर। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल्स होता है। चलो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं बोलूंगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल्स BOA मतलब AOB सॉरी, देखो ये एंगल्स लिखने का तरीका है ना, मतलब मैं ये एंगल लिखना चाहता हूँ क्या, थीटा का जो ये एंगल है ये लिखना चाहता हूँ, तो क्या करोगे, क्या लिखने का क्या तरीका है बोलो, जिसका एंगल BOA रखोगे, समझ गए नहीं, बोलो। तो देखो AOB O को मैं मिडिल में रख रहा हूँ, क्यों, AOB का मतलब हुआ एंगल किसके बारे में बात हो रहा है, क्या नहीं बोलो? यस सर। समझा? अब इधर में देखो, इधर में क्या लिखोगे, एंगल AOB किसके इक्वल है ये बताओ, मतलब COD। हाँ COD या DOC सर, DOC ना, मतलब DOC या COD कोई भी बोल सकते हो D, लेकिन एक बात याद रखना जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो उसको मिडिल में रखना, ठीक है। तो ये देखो DOC, तो ये एंगल हुआ, तो ये एंगल का दिस इज द साइन ऑफ एंगल, ठीक है दिस इज द साइन ऑफ एंगल, देखो बच्चा लोग DOC, समझा? हाँ सर। आप देखो अब मैं बोलूंगा आप सेकंड वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, बोलो ये एंगल, एंगल बोल बोल, एंगल AOD, AOC and BOD. AOC equals to क्या? बच्चा बोल। Angle BOD. 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 क्या बोलोगे? BOD. BOD. समझा ना? आप देखो इस सब का यूज करके ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा लोग?
Yes, sir. Yes, sir. The point one में when two lines intersect to each other, ठीक है? Point one में लिखते हो आप लोग. Roman point one में. अब आगे हम लोग बात करते हैं. ये सारे बच्चे नोट कर लिए हैं, लिख लो. Yes, sir. Done. सर कर लिए सर. हाँ चलो सेकेंड पॉइंट लिखोगे बच्चा लोग. सेकेंड पॉइंट इज योर व्हेन लाइन एल वन इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस parallel lines L2 and L3. देखो बच्चा, तो आप सेकेंड पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि L1, L2 and L3, ठीक है? L2, this is your L2 and ये L3, ठीक है? ये पैरेलल है कि नहीं है? देखने से लग रहा है ना पैरेलल है? Yes sir. Yes sir. दो पैरेलल लाइन को एक क्या है? आपका L1 इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, this is your L1. Transversal. हाँ, तब बताओ. देखो, one by one के करके बात करोगे. तब ये angles. ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, समझा? यस सर. आप कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे? बोलो सर. वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो होगा. वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ, ये वाला, ये किसके बराबर होगा? ये बोल रहे हो सर? ये वाला क्या है? हाँ देखो बच्चा, अगर यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, सबका नेम दे देता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना. बोलो. देखो जो वाला मैं यूज कर रहा हूँ फाइनली, वो देखना ये इसके इक्वल्स होगा. देखो तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एंगल्स इस एंगल्स के बराबर होगा. अब देखो ये एंगल्स, अब ये एंगल्स इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं? बोलो, वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है? यस सर. यस सर. मैं बात करूंगा अगर ये देखो, ये भी तो वर्टिकल अपोजिट है ना. बोलो. यस सर. वो भी इसके साथ वर्टिकली अपोजिट होगा. दूसरा कलर यूज कर देता हूँ. देखो ये और ये इसके अपोजिट इक्वल्स होगा. हाँ, अब बता. yes, देखो ये एंगल बच्चा, ये एंगल के बराबर भी होगा, समझा कि नहीं? अब सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखो वन बाय वन करके याद रखो. मैं अलग अलग फिगर बना देता हूँ, ये सारे बच्चे याद रखोगे, इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? देखो ये फर्स्ट केस, वो मतलब फर्स्ट पॉइंट में लिख दो, ठीक है? अलग अलग बना रहेगा तो आप लोगों को भी आइडिया रहेगा कि कौन कौन. देखो तो ये एंगल के बराबर, समझा? ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये L1, ये L2 है, ठीक है? L1 L2, ठीक है? और ये तुम्हारा क्या है? L2 L3 बोला है ना, पैरेलल. देखो बच्चा L2 L3 और ये तुम्हारा है L1, समझा? सेकंड में लिखोगे, सेकंड पॉइंट में लिखोगे बच्चा लोग, आप लोग लिखो सेकंड पॉइंट में. ये देखो सेम है, ये L2 है और L3 है. तुम लोग भी बताओगे कौन एंगल कहाँ इक्वल्स होगा. देखो सर, इसका नाम नहीं लिखेंगे? नाम? हाँ सर, एंगल्स के नाम नहीं लिखेंगे, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वैसे वैसे. हाँ, वो लिखा. चलिए तो ये देखो, just wait.
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ रुक जाओ रुक जाओ। देखो बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉइंटिंग एंगल्स। लिखो इसको हम क्या नाम है क्रॉस पॉइंटिंग एंगल समझा बच्चा? यस सर। इसका नाम देखो ये एंगल्स देखो ये एंगल्स और ये एंगल इसको हम लोग बोलते हैं ये एंगल अगर इक्वल हो तो ये बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बोलो तो ये इसका ये अल्टरनेट होगा ठीक है। आप देखो बच्चा आप बोलो इसका अल्टरनेट कौन होगा इसका अल्टरनेट कौन होगा ये होगा ना? यस सर। ये लिख लो सर ये तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है ना? हाँ देखो बच्चा लोग ये समझ में आया यहाँ तक? देखो इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल्स इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये देखो ये एंगल्स और देखो ये एंगल्स इक्वल होगा होगा कि नहीं होगा? आया? यस सर। हाँ तो ये तुम्हारा हो गया ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। देखो इसका अल्टरनेट ये होगा और इसका अल्टरनेट क्या होगा ये होगा ना? हाँ बोल। यस सर। अब देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो देखो टू लाइंस को कट कर रहा है लाइंस ठीक है। आप देखो बच्चा यहाँ पे देखो ये कितना है ये जो एंगल है ये एंगल और तुम्हारा ये एंगल ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल ठीक है इस दोनों का समेशन होता है। मतलब अगर इसको मानते हो थीटा वन मानते हो इसको और इसको थीटा टू मानते हो ठीक है बच्चा तो इस दोनों का समेशन होता है थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू वन एटी डिग्री। समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके सर। थीटा वन एंड थीटा वन एंड थीटा टू आर इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल ठीक है इंटीरियर एंगल। समझ में आया सर? को इंटीरियर एंगल्स ना? हाँ क्या बोला? हाँ देखो इंटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं। क्या मतलब थीटा वन एंड थीटा टू ये भी हो सकता है ये भी इंटीरियर एंगल है ये भी इंटीरियर एंगल है समझा? बोलो अब दोनों का समेशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो तो देखो when two pair ये when line one line intersect two parallel line then corresponding angles are equals। बोलो
corresponding angles are equals, होगा कि नहीं होगा? बोल हाँ या ना? और alternate angles किसको बोल? हाँ बोलो, पूछो, बोलो, कोई doubt है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ होगा सर। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है? देखो, इसको ये एंगल्स और ये एंगल्स, क्या इसको दोनों को क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। आप देखो, इस एंगल्स का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? ये वाला, समझा कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो, वर्टिकल अपोजिट का बात करेंगे तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? ये एंगल्स, ये इक्वल होगा, ये तो हम ऑलरेडी पहले मतलब इससे पीछे पे पढ़ लिया है ना, बोलो। यस सर। अब किसको कोई पूछेगा, सर इसका 180 कैसे लिख रहे हो आप? तो देखो बच्चा, ये थीटा 1 है, हाँ या ना? अब ये देखो, ये थीटा 2 है, ठीक है? मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे जो थीटा 1 है बच्चा, क्या है थीटा 1? तो ये जितना एंगल है ये भी थीटा 1 होगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो कॉरस्पोंडिंग एंगल्स, अकॉर्डिंग टू कॉरस्पोंडिंग एंगल्स, क्या नहीं होगा इसका? इस थीटा 1 का कॉरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा? ये होगा ना? यस सर। तो जानते हैं किसी भी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। इसीलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नो एनी कंफ्यूजन? नो सर। देखो बच्चा, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमें क्या देखना है कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना बच्चा कि when one line intersects two parallel lines, then corresponding angles are equal, alternate angles are equals, and summation of interior angle कितना होता है? 180 degree. 180 डिग्री। आप देखो बच्चा, आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए तुमसे हेलो सर। जस्ट वेट।
चलो चलिए 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 यहाँ तक समझ में आया। आप देखो ये क्वेश्चंस आपको जो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये करके बताओ आप। देखो एक अननोन आपको एक अननोन डिग्री का वैल्यू निकालना है। ये देखो ये लाइन इसको कट करना है, टू पैरेलल लाइंस है, ये है तुम्हारा एल टू है और ये एल थ्री है।
ये 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ठीक है। आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये x है, x डिग्री, तो x डिग्री इक्वल टू व्हाट, चलो बच्चा लोग करो करो, x डिग्री आप लोग निकालो। तो 75 के पास में क्या क्या लिखा है, क्या बोले, 75 के राइट में, हाँ बोलिए बोलिए, 75 के, हाँ 75 प्लस 40 है वो बच्चा, तो 70 डिग्री होगा आंसर, 70 सर, 65 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा, 65 डिग्री होगा, यस सर 65 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री आ रहा है, यस सर, कैसे दिया बच्चा, ये लाइन पे 180 डिग्री बनना चाहिए क्या, यस सर, यस सर, और फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये x डिग्री, क्या अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, हाँ यस सर, 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे, 180 बोलोगे कि नहीं, यस सर, यहाँ से x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 180 डिग्री माइनस 75 यस माइनस 1.5 डिग्री, 11 कितना, 1.5 डिग्री, 115 65 डिग्री, चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है बच्चा लोग निकाल के बताओ, रखे रहोगे आंसर, ठीक है सर, 36 डिग्री सर, 36 डिग्री सर, 36 डिग्री सर, 36 डिग्री, 36 आ गया बच्चा लोग, यस सर, हाँ ये देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्या ये तुम्हारा ये एंगल्स, तो ये पहले निकाल लोगे, ये कितना आया बोलो सर, वो 36 डिग्री, फिर उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 36 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी 36 डिग्री होगा, ये क्या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इसका है ना, x इक्वल, यस सर, एवरीवन गॉट इट, यस सर, तो 36
36 ही आ रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर, 36 ही आ रहा है। चलिए बच्चा लो, अब देखो बच्चा लो, अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? ऐसे निकाल सकते हो ना क्वेश्चन? यस सर, यस सर, यस सर। चलो ये है तुम्हारा, देखो ऐसे है, ऐसे है बच्चा लो, इसे लो, ये तुम्हारा दे दिया है 50 डिग्री, ठीक है? और ये तुम्हारा दिया हुआ है 40 डिग्री, समझा? तो ये जो x डिग्री है बच्चा वो फाइंड आउट करो, ठीक है? x डिग्री फाइंड आउट करो। सर वो दोनों लाइंस पैरेलल है ना? हाँ हाँ एकदम पैरेलल है, ठीक है? ये पैरेलल है। सर वो नीचे वाला क्या लिखे है? 135 डिग्री। हाँ 135, ये इसके एकदम पैरेलल है बच्चा, ठीक है? ये तुम्हारा 45 है। x डिग्री कैसे निकालोगे? चलो माइंड लगाओ, सर 90 डिग्री। कैसे निकाला सर? उसको हाफ में तोड़ दिया तो उससे निकल जाएगा। किसको हाफ में? सर बीच में एक और पैरेलल लाइन 90 डिग्री। सर 90 ही होगा। लाइन बना दी भाई साहब, देखो सारे बच्चों देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये 130 डिग्री है, ठीक है? अब इसका एंगल को निकालना है, क्या निकालना है? इसका एंगल निकालना है, क्या किया बोलो? सर x निकालना। कितना आ रहा है? सर 90। सर 85। सर 85। 90। सर 85। सर 90 डिग्री। कैसे निकाल सकते हो? सर 45। बोलो सर, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे x, जो x को आधा आधा कर देगा और वो पैरेलल होगा नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, वो 90 डिग्री हो रहा है। यस करेक्ट, बोलो हां सर। हां तो फिर बताओ क्या ये 45 है? तो ये 45 आप लोग ये गैस कर रहे हो आगे। हां सर, हाँ सर, corresponding angles, the corresponding angles 45 degree हो गया। हाँ तो ये 45 degree हुआ, तो x का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालो बच्चा? तो x तो होल है ना, तो नीचे सर कोई इंटीरियर एंगल नीचे वाला, नीचे वाला क्या बच्चा बोलो? कोई इंटीरियर एंगल, अच्छा ये देखो बच्चा, अगर यहाँ से
कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लिया है, ठीक है, ये इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन छुपाया है, ठीक है, तो फाइनली रुक जाओ, ये ऐसे हम नहीं बता सकते, ठीक है, रुक जाओ, इसको ऐसे हम नहीं बता सकते, ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ इसमें से छुपाया है, ठीक है, वो मैं बात करते हैं बच्चों को। क्वेश्चंस लोग देखो, दो लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये तुम्हारा दिया हुआ है कितना डिग्री, ये तुम्हारा दिया है 60 डिग्री, ठीक है, सर आप ये वाला फिर से न्यू क्वेश्चन दे रहे हैं क्या? क्या बोला सर आप ये वाला फिर से न्यू क्वेश्चन है? क्या बोले सर? वो क्वेश्चन के न्यू क्वेश्चन है। हाँ हाँ ये न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, तो ये ठीक ठाक क्या होगा, ठीक ठाक हुआ सर, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री क्या किया, ये 60 होगा ना, ये 60 तो ये 60 होगा, 60 डिग्री आप बात कर रहे हो, और सर 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री, हां तो फाइनली देखो हम लोग बात करेंगे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 120, समझ में आ रहा है? इस तब का इस टाइप का आप लोगों के पास बहुत ही क्वेश्चंस होगा, चलो या इस टाइप का बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों के पास मिलेगा, ठीक है, बुक्स भी मिल जाएगा, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट में बताया हूँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन आप लोग ले होमवर्क के लिए ले लो, ये मैं दे रहा हूँ, चलो ये वाला क्वेश्चन सुनो बच्चा, यहाँ पे देखो फिगर थोड़ा टफ है, ये और ये है, ये तुम्हारा दे दिया गया एंगल 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, अच्छा ये x डिग्री है, x डिग्री है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये तुम्हारा दिया है 1160, ठीक है, 1160, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सभी बच्चे अभी निकाल लो ना, क्या वैल्यू ऑफ x डिग्री क्या होगा, बोलो बोलो, सर 71 71 डिग्री कितना आया, 71 डिग्री सर, 71 डिग्री, 71 डिग्री, x का वैल्यू 71 आ रहा है, यस सर, यस, कैसे निकाल रहे हो बोलो,
सो 135 180 से माइनस कर देंगे 135 तो दूसरा साइड का निकल जाएगा 45 कितना आएगा 180 किया ये 180 से तो ये एंगल कितना आया बोलो 45 डिग्री कितना आ रहा है 45 डिग्री हां 45 डिग्री अब क्या किया तो 116 से माइनस कर दिए कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हो रहा है इसीलिए यस सर 45 डिग्री प्लस x 116 डिग्री यस सर ये एंगल ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ना तो हम बोलेंगे x प्लस 45 डिग्री ठीक है इक्वल टू 116 बोलो क्या हां या ना सही समझा तुम लोग यस सर तो 116 डिग्री माइनस 45 कितना आ गया बोलो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा कि 71 कितना आ रहा है सर 71 सर 71 71 डिग्री आया 71 आ रहा है ना यस सर यस सर आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे ठीक है थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू बच्चों लोग थैंक यू सर समझ में आ गया ना यहां तक यस सर यस सर यस सर बाय एवरीवन बाय बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर क्वेश्चन सर क्या आना नेक्स्ट क्लास में बाय सर यस सर बाय सर बाय